दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी हुई। सो दोस्तों, झाइयों को, मिलाजमा को या फिर झुर्रियों को, साथ ही साथ आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहते हैं, अंदर से सॉफ्ट करना चाहते हैं और अपने पोर्स की सफाई करना चाहते हैं, सो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा ही नुस्खा जो कि इजीली है और सिर्फ दो ही चीजों से बन के रेडी हो जाता है। आप इसे बना करके रख भी सकते हैं, लगभग 15 दिन के लिए इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बना के रख भी सकते हैं। ये आपकी स्किन से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करेगा, आपकी झाइयों को, दाग धब्बों को, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को, एजिंग लाइंस को और नॉर्मली सबसे मेन चीज आंखों के नीचे पड़ने वाली जो झुर्रियां जो कि हमें समय से पहले ज्यादा एज की बताने लग जाती हैं, उनको भी ये दूर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी को। बनाने के लिए आपको चाहिए ग्लिसरीन, एंड इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 2 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन प्लांट वाला नहीं लेना है। सो 2 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल, बिकॉज ग्लिसरीन काफी थिक कंसिस्टेंसी में होता है, सो इसे डाइल्यूट करना जरूरी है, नहीं तो ये आपके फेस को बहुत ज्यादा चिपचिपा बना देगा। एंड इसके बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मिक्सचर एक दूसरे में मिक्स हो जाए, यानी कि जो ग्लिसरीन ऐड किया है वो और एलोवेरा जेल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अप्लाई कैसे करना है? आप इसे दिन भर, रात भर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार या दो बार इस्तेमाल करना है। जितनी बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी बार आप इसे इस्तेमाल करेंगे और जितनी ज्यादा बार आप इसको इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज्यादा आपके फेस पे इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अप्लाई करने का तरीका सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेना है इस तरीके से और अपने पूरे फेस में, और आपको यहाँ पे क्लींजिंग नहीं करनी है नॉर्मल, लेकिन हाँ आपको अपने फेस में मेकअप नहीं रखना है। मेकअप को रिमूव करने के बाद आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक, जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता आपकी स्किन में, आपको करना है मसाज। तो बस आप इसको आंखों के नीचे भी लगाएंगे क्योंकि ये दोनों ही चीज आपकी आंखों की पफिनेस यानी सूजन को, साथ ही साथ आपके आंखों के जो डार्क सर्कल्स हैं या फिर स्पॉट्स वगैरह हैं या आंखों के नीचे बहुत ज्यादा कालापन जो आ जाता है, उन सभी को दूर कर देता है। तो डेली आपको इसे अप्लाई करना है, रात में सोते समय तो जरूरी है, इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस में, पहले तो क्रीम की तरह जैसे आप क्रीम लगाते हैं और अप्लाई करते हैं, उस तरीके से पूरे फेस में आपको अप्लाई कर लेना है। एंड उसके बाद आपको करनी है मसाजिंग, और मसाजिंग आपको करनी है रिंकल्स, फाइन लाइंस वाली, जिससे कि आपकी स्किन टाइट हो सके, ग्लो अप हो सके और झुर्रियों की जो समस्या है वो खत्म हो सके। सो इस तरीके से आपको मसाज करना है अपवर्ड मोशन में। स्किन को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना चाहिए ताकि आपकी स्किन की टाइटनेस जो है वो बरकरार रहे और लूज ना हो। इस तरीके से जब आप अपने फेस को मसाज करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। सो दोस्तों, 10 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि इसे वॉश नहीं करना है, इसको पूरी तरीके से पेनिट्रेट होने देना है आपकी स्किन के अंदर। सुबह मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, आप अपने फेस को टच करके देखिएगा, आपका स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ रहेगा, आपको कोई भी क्रीम लगाने की, अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो, जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग इसके बेनिफिट ले सके। चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, आवाज़ को दिए, बाय बाय।